नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। अगर मरने के बाद भी मोक्ष के लिए पानी का इंतजार करना पड़े तो झारखंड के मोदिनी नगर में दाह संस्कार के बाद अस्थि विसर्जन के लिए 148 शवों को नदी में दोबारा पानी लौट आने का इंतजार है। झारखंड में मानसून ने भले ही दस्तक दे दी है, लेकिन नदी में पानी भरने के लिए अभी इंतजार करना होगा। इस बार राज्य में गर्मी ऐसी पड़ी कि कई नदियां सूख गई, वैसे झरने भी सूख गए जिनमें सालों भर पानी भरा रहता था। दाह संस्कार के बाद मोक्ष के लिए इन शवों को भी नदी में पानी लौट आने का इंतजार करना पड़ रहा है। मोदिनी नगर में कोयल नदी के सूख जाने से लोगों के अंतिम संस्कार करने में समस्या होने लगी है। परिजनों की मौत के बाद नदी में पानी न होने की वजह से विधि विधान से अंतिम संस्कार करने में समस्या आ रही है। कोयल तट पर पहाड़ी मोहल्ला में स्थित राजा हरिश्चंद शमशान घाट में लोगों को अंतिम संस्कार के लिए भी पानी नसीब नहीं हो रहा है। मोदिनी नगर में सूख चुकी कोयल नदी की रेत में 48 अस्थि कलश दफनाए गए हैं। इन अस्थियों को मानसून की बारिश का इंतजार है ताकि उनको मोक्ष मिल सके। कोयल नदी इस वर्ष अप्रैल की शुरुआती सप्ताह में ही सूख गई थी। नदी किनारे स्थित पहाड़ी मोहल्ला शमशान घाट में अप्रैल से अब तक 48 शवों का दाह संस्कार किया गया, लेकिन अस्थियां नहीं भाई जा सकी। दाह संस्कार के बाद बची चिता की राख को भी इकट्ठा कर रखा गया है ताकि बारिश के बाद उन्हें बहाया जा सके। मार्च के अंतिम सप्ताह से जून के दूसरे सप्ताह तक 148 शवों का अंतिम संस्कार पहाड़ी मोहल्ला स्थित शमशान घाट पर हुआ। मरने के बाद भी मोक्ष के लिए सभी बारिश के इंतजार में हैं। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।